तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। मैं आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं रोटेशनल मोशन, तो इस रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मैकेनिक्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मैं आपको जो टॉपिक कवर करूंगा वो सेंटर ऑफ मास कवर करूंगा, और साथ साथ मैं उसके बाद मैं टॉर्क डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, उसके बाद मैं एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, और साथ साथ उसके बाद मैं लास्ट टॉपिक रोलिंग मोशन डिस्कस करूंगा। ये पूरा जो कोर्स है, ये जो पूरा सेंटर ऑफ मास, ये सारे टॉपिक देख लोगे तो मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और कई बार बोलता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम लगभग सारे क्वेश्चन कर लोगे यार, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे तो। अगर नहीं ध्यान दोगे तो तुम्हारा यार तुम्हें प्रॉब्लम तो आएगी ना यार। तो सेंटर ऑफ मास मैं पूरा पढ़ाऊंगा, और कैसे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास होता क्या, इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सेंटर ऑफ मास को बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला जो सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो अपनी स्टडी है वो स्टडी दो पार्ट में पूरी करेंगे। जो पार्ट होगा, पहला जो कॉन्सेप्ट बनेगा स्टडी का, जो पहला कॉन्सेप्ट बनेगा और दूसरा पहला जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे हम, वो पॉइंट मास के लिए डिस्कस करेंगे। पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास मतलब वो होता है डिस्क्रीट पार्टिकल, मोर एग्जैक्ट वर्ड डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट मतलब होता है दूर दूर हो, आसानी से हो, ठीक है, मतलब आसानी से इनको काउंट कर सकते हो। मास M1, मास M2 और मास M3, इस टाइप के पार्टिकल के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा है कंटिन्यूअस मास, लाइक रॉड हो गया, बहुत फेमस है, रिंग हो गया, ठीक है, ये भी फेमस है, डिस्क ये भी फेमस है। तो रॉड, रिंग, डिस्क एक्सेट्रा, ये क्या है, कंटिन्यूअस मास है, एक इनके लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और तीसरे पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन, मतलब ये अगर लेक्चर देख लोगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास का, इसके लिए जिसके लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा उसके लिए लगाओगे। सेकेंड और थर्ड तीन पार्ट में पूरा मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छुटेगा, बहुत ही ज्यादा पढ़ाता हूं मैं, ठीक। तो ये अब ये जो है सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है, अब बेसिकली इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़े, सेंटर ऑफ मास की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो भैया इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मतलब कितना ज्यादा भाई, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये है कि इस सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में NLM में जाते हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, रोटेशनल मोशन के जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जो इक्वेशंस आएंगे, इज वेरी सिमिलर टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसी के सिमिलर के आसपास आएगा, पर नई नई चीजें कुछ बिल्डअप होंगी, नई नई बातें आएंगी, तो उनको तुम बड़े ध्यान से देखना और बड़े समझने की कोशिश करना। न्यूटन्स लॉ का जो एक इक्वेशन था F=ma, तो ये क्या था, ठीक है, ये कहता था कि अगर कोई ब्लॉक है उस पे अगर मैं एक फोर्स लगाया, ये ब्लॉक के सबसे टॉप पे एक फोर्स लगाया, तो पता है कि ये फोर्स ब्लॉक पे नहीं, ये ब्लॉक को एज ए पॉइंट ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है F=ma किसी पॉइंट के लिए वैलिड है, पॉइंट पॉइंट मास पे लगता है, ठीक है ना, मतलब आपने ब्लॉक पे लगाया, मतलब ब्लॉक को एज ए पॉइंट ट्रीट करके पूरे ब्लॉक पे लग गया यार, बात समझ में आई ना। तो ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, और ये पूरी पॉइंट इस ब्लॉक को एज ए पॉइंट ट्रीट कर दिया, ठीक है, F=ma, मतलब इस पूरे, हम ये नहीं बोल सकते कि ब्लॉक के एक पार्ट या ब्लॉक के दूसरे पार्ट पे फोर्स कितना लगा, तीसरे पार्ट, पूरी ब्लॉक पे लगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, चलो। लेकिन अगर मान लो ठीक है, ब्लॉक ही हो मतलब पॉइंट ना हो, पहले तो भाई आपने इसको पॉइंट बना दिया बाय डिफॉल्ट, में लगा दिए ये, तो ये पॉइंट बन गया, पूरा ब्लॉक बन गया, ठीक है पूरी कार पे लगा दिए, पूरी कार को तुम पॉइंट मास ट्रीट कर लिए, कार नहीं रही, ठीक, मास बन गया, ठीक। तो अब मान लो कार सच में कार है, ठीक है, मतलब मैं कार को एज ए कार ट्रीट करना चाहता हूं, ये नहीं चाहता हूं कि अगर एक व्हील है
ठीक है, एक व्हील है। अब हर पार्टिकल देखो, अगर व्हील है, व्हील के कौन सी मोशन करती है, एक नई टाइप की मोशन करती है, रोलिंग मोशन, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये आगे भी जा रही है वी वेलोसिटी से और ओमेगा से अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अब व्हील को एज ए पॉइंट नहीं ट्रीट, हर पार्टिकल को मैं अलग अलग नजरिए से देखना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं हर पार्टिकल को अलग अलग, इस यहां पर जो पार्टिकल है देख रहे हो, ये आगे भी जा रहा है और अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो वो थोड़ा सा इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आएगी, ठीक है। अब यहां पर जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी इधर है और ये, तो कुल मिला के जो हर पार्टिकल का जो मोशन है वो कॉम्प्लेक्स है यार, हर पार्टिकल का मोशन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हर पार्टिकल का मोशन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें एक सबसे सुंदर वाली बात छुपी हुई है, एक ऐसा पार्टिकल है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सबसे सीधा है, अच्छा है, उस पार्टिकल को मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ मास। उस ये पार्टिकल है जो एक बहुत ही अच्छा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा, वो स्ट्रेट लाइन में सीधे जा रहा है। तो वो स्ट्रेट लाइन में वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर मैं मोशन को एनालिसिस करता हूं, मतलब स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं, उसके उसी पे मैं बैठ जाऊं, उस पार्टिकल पे मैं बैठ जाऊं, तो हर हर जो मोशन है, मतलब मैं सेंटर पे बैठ जाऊं, सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर पे आता है और वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उस पॉइंट से अगर देखता हूं तो मुझे हर पॉइंट, एक हर पॉइंट, जो भी पॉइंट जो मैं ग्राउंड से देख रहा था कॉम्प्लेक्स मोशन परफॉर्म कर रहा था, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग थी, अगर मैं इसी पर बैठ जाता हूं तो उससे हर पॉइंट एक सर्कल में नजर आएगा, हर पॉइंट एक सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा, उस पॉइंट जो है क्योंकि उस एक सर्कल में ऑब्जर्व कर पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हर पार्टिकल के अलग अलग हो गया था। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा यार रोलिंग में है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मैंने इंपॉर्टेंस क्या समझाया, कुल मिला के समरी ये है सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस का, कि टू एनालाइज द मोशन इज वेरी इजी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक अच्छा मोशन परफॉर्म कर रहा है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा, या तो सर्कल में होगा, या तो पैराबोला में होगा, या कोई सिंपल मोशन। तो चलो, क्योंकि अब देखो इस वाले एक्स है, देखो ये एक्स है, यहां से अगर मैं इस कुलाड़ी को फेंकता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो हर पार्टिकल है उसका, समझ रहे हो, उसका जो है लोकेशन हर पॉइंट पे अलग अलग है और वो कॉम्प्लेक्स मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लिखा गया है द एक्स सम एंगल विथ हॉरिजेंटल द सेंटर ऑफ मास मूविंग पैराबोलिक पाथ, तो हर पॉइंट का जो लोकेशन है, हर पॉइंट का थोड़ा सा मोशन कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे अच्छा वाला मोशन परफॉर्म कर रहा है पैराबोलिक पाथ। अब अगर मैं ग्राउंड से देखता हूं तो हर पॉइंट का जो मोशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, ये जो पाथ है वो सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ही मोशन को देखूं, तो कोई ऑब्जर्वर तुमसे पूछता कि यार सेंटर ऑफ मास से जब आप ए पॉइंट पर हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ए लोकेशन पे हो, तो जो एक्स की ये वाली जो पॉइंट है एक्स की, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैं कुछ पी पॉइंट बोलता हूँ, पी पॉइंट हॉरिजेंटल से कितने डिग्री पर है, तो पी पॉइंट हॉरिजेंटल से टी टाइम बाद थीटा डिग्री पर है और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पे है। तो इट्स वेरी इजी टू एनालाइज द मोशन फ्रॉम द, और खुद इसका सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन है और आप उसका लोकेशन बहुत आराम से निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास से मोशन को एनालाइज करना आसान है, ठीक है। अब आगे इसके बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन समझते हैं, डिफिनेशन मतलब क्या चीज है, मैथमेटिकल डिफिनेशन हम थोड़ा बाद में समझेंगे, कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट है जहां टोटल मास कंसंट्रेटेड आप ट्रीट कर सकते हो, जहां से आपको मोशन को डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है, यही तो लिखा गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इजी। तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं बोलना चाहते तो वैसे भी बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ बॉडी इज टू बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट, जहां पर टोटल मास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी है, ये रैंडम बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो अगर ये एक बॉडी है, रैंडम बॉडी है, रिजिड बॉडी है,
अगर इसके पास एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये पूरी की पूरी बॉडी 10 kg की है, तो 10 kg पूरा बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, समझ रहे ना। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये पूरा का पूरा 10 kg माना जा सकता है। मान लो वो पॉइंट यहां पर है, तो इस पूरी बॉडी को हटा के अगर मैं इस पॉइंट से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये खुद पॉइंट ही 10 kg का है। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द टोटल मास इज लोकेटेड कंसंट्रेटेड। पूरी बॉडी को हटा के उस पॉइंट से रिप्लेस कर दूं तो इक्विवेलेंट होगा। मतलब यहां से देखो, मतलब ये हुआ, मैं आपको शुरू में बताया था कि सेंटर ऑफ मास के दो दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। मतलब ये जो बॉडी थी वो एक्चुअली कंटिन्यूअस मास था यार, मासेस बिखरे हुए थे। लेकिन जो मासेस बिखरे हुए थे उसको तो मैंने पॉइंट में बदल दिया ना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो कंटिन्यूअस मास के हैं वो पॉइंट में कन्वर्ट करके अगर पॉइंट का फार्मूला लगा दूंगा तो भाई पॉइंट से भी ठीक कैसा होता है, इसको इसकी शक्ल देख लो, ठीक है ना। कैसी कैसा मतलब ये है, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे है क्या चीज ये। एक्चुअली पॉइंट ऑफ मास जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजिशन वेक्टर है। देखो अब अगर देखो एक पॉइंट मास है, समझना, एक पॉइंट मास है M1, तो इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यार। अब सेंटर ऑफ मास पॉइंट है और वो खुद पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ मास का पॉइंट पे ही आ जाएगा। मतलब उसका सेंटर ऑफ मास उसी पे आ जाएगा। अकेला पॉइंट मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा, लेकिन ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पोजिशन वेक्टर R1 है वेक्टर, ठीक है। अब चलो एक और आ गया स्पेस में दूसरा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है M2 का वो भी उसी पर होगा, समझ रहे, क्योंकि पॉइंट है। लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वो कहीं इधर बीच में आएगा, समझना, समझ रहे हो ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये एक नया पॉइंट जनरेट हो गया, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज RCM है, ठीक है। तो RCM जो पोजीशन वेक्टर है, RCM, उसको मैं लिख सकता हूं M1 R1 + M2 R2 और डिवाइडेड बाई M1 + M2। क्या बोल रहे सर, कहाँ से लिख दिया, ठीक है। इसको मैं कहाँ से लिख दिया थोड़ा देर बाद आपको पता चल जाएगा। इसको मैं डिराइव कर देता हूँ, बहुत सारे बुक में डायरेक्ट मतलब लिखा हुआ, पर मैं प्रॉपर डिफिनेशन से आपको बता देता हूँ एक्चुअल में कहाँ से आता कहाँ से। बस आप समझ लो कि RCM क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल हैं तो डॉट 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 डॉट, बहुत सारे पार्टिकल हैं तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखो, जैसे ये एक स्टोन है, ठीक है। अब अगर स्टोन है ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट कर रहा है तो देखो हर पार्टिकल ट्रांसलेट मतलब हर पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है हर एक पार्टिकल। मैं बोलूंगा ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, देखो हर पार्टिकल भी अलग अलग जो जो भी लोकेटेड है वो भी आगे जा रहा है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज परफॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन मोशन। सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, मतलब इस पूरी बॉडी को हटा के अगर सेंटर ऑफ मास पे इक्वेशन लगाओगे F=ma, तो वो पूरी बॉडी के लिए ट्रीट हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये पहला जो हमने फिजिकल डिफिनेशन ये समझ लिया, और ये जो डिफिनेशन है दैट डिफिनेशन इज मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। वो क्या था, हाँ भाई होता है सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चीज होती है, कि ये पॉइंट है जो बॉडी के अंदर होता है, जो अच्छा वाला मोशन परफॉर्म करता है, जहां उसका टोटल मास मान सकते हैं कॉन्सेंट्रेट। बट अब एक्चुअली है तो उसको लोकेट कैसे करोगे, उसको निकालोगे कैसे, इसके लिए हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। जैसे अब मैं सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने की कोशिश करूंगा, और लोकेट करने के लिए एक नया डिफिनेशन बनाया गया, जिसको नया टर्म आपको समझना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं मास मोमेंट। मोमेंट आप समझ लो यहीं पे, ठीक है, कि बच्चे बार बार इसको पूछते हैं। पैरेलल एक्सिस थियरम आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम आता है, उसमें एक जगह ये आता है, थ्योरम पढ़ते हैं तो वो बच्चे बार बार डाउट करते हैं कि मास मोमेंट क्या है। मास मोमेंट एक क्वांटिटी है, जैसे एक्सलेशन है, वेलोसिटी है, उसी तरह से एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होती है। चलो अब देखो ये एक पॉइंट मास है M1, ठीक है। अब मुझे पता है इसके पास सेंटर ऑफ मास है, बट है तो यार मेजरमेंट कैसे किया जाए। चलो भाई है तो किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली है, एक लोकेशन है दिल्ली। अब दिल्ली
कहां से कितनी डिस्टेंस है वो तो आपको रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, ये दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है दैट इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट है जहां से मैं इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जो इस पॉइंट से कुछ आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। मैं एक नया क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, मास मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जेड वेक्टर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इसका ये जो डिस्टेंस है, प्रोडक्ट ऑफ द मास और ये जो डिस्टेंस है, जो जिसकी डायरेक्शन है जेड की इधर होगी, ठीक है। तो ये जो नई क्वांटिटी है स्केलर में, मास मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड पोजिशन वैक्टर, ऐसे कह लो, ये पॉइंट है ओरिजिन ही होता है, जनरली ये पॉइंट ओरिजिन ही होता है जनरली। तो ये जो ये पॉइंट है, मास मोमेंट सिंपली होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो ये जो चीज है वो मास मोमेंट होती है। अब ये तो हो गया मास मोमेंट, ठीक है, मोमेंट को सेंटर ऑफ मास के लिए कैसे लगाएंगे, है ना, समझना, ये मास मोमेंट एक अलग क्वांटिटी है। अब सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मान लो कोई पार्टिकल है यहां पे M1, दूसरा पार्टिकल है M2 और तीसरा पार्टिकल है M3, तो ये जो पॉइंट है यहां से मास मोमेंट रेफरेंस पॉइंट है जहां से मास मोमेंट Z1 डिफाइन हो रहा, इसके लिए Z1 है और इसके लिए मास मोमेंट Z2 है और इसके लिए मास मोमेंट Z3 है। तो मास मोमेंट का जो सेंटर ऑफ मास के लिए मैं लगाता हूं, जो डिफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट O है, अभी देखो पॉइंट O था लेकिन अब एक पॉइंट वो एक स्पेशल पॉइंट बन गया जिसको मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये एक अलग था। अब सेंटर ऑफ मास देखो इसमें मैं ला रहा हूं, वो एक ऐसा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट ही क्या बन जाए, सेंटर ऑफ मास। तो रेफरेंस पॉइंट अगर सेंटर ऑफ मास बन गया तो समेशन ऑफ डिफिनेशन, डिफिनेशन एक आता है कि समेशन ऑफ द मास मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, मतलब सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब सिग्मा मास मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन, जितने भी पार्टिकल हैं सभी के लिए जोड़ दो। तो ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। फिजिकल डिफिनेशन क्या था वो समझ में आ गया, मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट अबाउट विच द मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल इज जीरो। तो एक पार्टिकल है उसका मास मोमेंट जीरो हुआ, तो ऐसे पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ मास